माँ शारदे को नमन करता हूँ, माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, इस पवित्र और पावन धरती को माँ काली के प्रांगण में खड़ा हूँ, माँ के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए चकिया के प्रबुद्ध श्रोताओं को मऊ की धरती से प्रणाम निवेदित करता हूँ आप लोगों को। जब भी कोई जिक्र करेगा वीरों के बलिदान का, जब भी कोई जिक्र करेगा वीरों के बलिदान का, सबसे ऊपर नाम मिलेगा अपने हिंदुस्तान। वाह वाह, गुड़िया ने बहुत बढ़िया पढ़ा, एक बार मैं चाहता हूं कि आप लोग उसके लिए तालियां बजाइए। कार्यक्रम का संचालन बहुत ही खूबसूरती के साथ में श्रद्धेय डॉक्टर ईश्वरचंद्र त्रिपाठी द्वारा कर रहे हैं। मैं पूरे सदन से आग्रह करूंगा कि आप बधाई के पात्र हैं कि अभी शकुंतला खंड काव्य आपका महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ में पाठ्यक्रम में समाहित हुई है। मैं पूरे सदन से एक बार चाहता हूं कि आप उनके लिए तालियां बजाएं। ये हम कवियों के लिए सौभाग्य का क्षण है। कार्यक्रम की अध्यक्षता हास्य के बड़े हस्ताक्षर आदरणीय बालेदीन बिसारी द्वारा कर रहे हैं। कार्यक्रम के लिए श्री अवध बिहारी मिश्रा जी, श्री नवल जी, श्री विजयानंद द्विवेदी जी और हम लोग के बड़े भाई श्री शैलेंद्र मधुर जी, मनोज मधुर जी, सबको प्रणाम करते हुए मैं अपना काव्य पाठ शुरू कर रहा हूँ। स्वागत। और मुझे भी ये उम्मीद है कि चकिया की धरती कभी हमें खाली छोड़ के नहीं जाएगी। उठो जवानों, जगना होगा सोया स्वाभिमान जगे, उठो जवानों, जगना होगा सोया स्वाभिमान जगे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा हिंदुस्तान जगे, वीर जवानों की धरती से फौलादी तूफान जगे, अरे सवा अरब के भीड़ से कोई राणा की संतान जगे। रग रग में, रग रग में जो क्रांति चेतना भर दे जोश जवानों में, ऐसों को मैं नमन करूंगा सवा अरब दीवानों में। क्या थे आप कि जब 1857 की क्रांति छिड़ी अंग्रेजों से, जब 1857 की क्रांति छिड़ी अंग्रेजों से, सारा देश नहा बैठा था गोरे खूनी पंजों से, चारों तरफ मची भगदड़ थी, कौन क्रूरता रोकेगा, इन बिस्तर सांपों के फण को कौन यहाँ पर कुचलेगा, कौन यहाँ पर दे कुर्बानी, किसकी अब कुर्बानी है, आगे आकर बोले थे तुम हाजिर मेरी जवानी है। दाग दाग लगे ना देखो यारो उन वीरों की शान पर, दाग लगे ना देखो यारो उन वीरों की शान पर, हम शर्मिंदा हो ना जाएं अपने हिंदुस्तान पर, उगते सूरज के आंगन में और अंधेरा नहीं रहे, वीर शहीदों के ख्वाबों का राज अधूरा नहीं रहे, तो आओ आओ तुम संकल्प उठाओ, मुल्क नहीं मिटने दोगे, और चाहे धड़ से शीश अलग हो ध्वजा नहीं झुकने दोगे। अब लगा है लेकिन पीछे की अभी जनता खामोश है। आधे मन से कर्नल बीपी सिंह लिखते हैं, पीछे के लोग सुनिए कि आधे मन से आधे दिल से दोस्ती या दुश्मनी दोनों गलत, युद्ध हो या प्यार हो भरपूर होना चाहिए, और या तो दुश्मन शांति का सम्मान करना सीख ले या तो उसका दम्भ चकना चूर होना चाहिए। अगर बजानी है तालियां तो मुखर होके बजाइए, इस प्रखर को सुनना है अगर तो। क्या बात, वाह, मेरे आराध्य भगवान शंकर हैं, बात वहीं से शुरू करता हूँ। स्वागत। शीश गंगे धारी गले बिस्तर धारी त्रिपुरारी भयहारी को नमन करता हूँ मैं, शीश गंगे धारी गले बिस्तर धारी त्रिपुरारी भयहारी को नमन करता हूँ मैं, और बिल्व पत्र भंग संग कनक आहारी मृग इंद्र चर्मधारी को नमन करता हूँ, और डिमिक डिमिक डिम डम डम बाजे ऐसी डमरू के धुन को नमन करता हूँ मैं, और त्रिलोचन धारी करे नंदी पे सवारी जटाधारी दुखहारी को नमन करता हूं मैं। और किसको नमन करने का मन तो घुटते वतन को अब सांस की जरूरत है, शौर्य शक्ति वाले इतिहास की जरूरत है, और जन जन में भरे जो जोश क्रांतिकारियों सा, ऐसे जन नायक सुभाष की जरूरत है। क्या थे सुभाष चंद्र बोस जी, जो बबर शेर सा दहाड़ता रहा है सदा, साहस अदम्य शौर्य जोश को नमन है, जो बबर शेर सा दहाड़ता रहा है सदा,
साहस दम्य शौर्य जोश को नमन है, और खून दो मुझे तुम्हें आजादी दे के मैं रहूंगा, राष्ट्र के महान उद्घोष को नमन है। और जिसने जिसने ब्रिटिश साम्राज्य तार तार किया, शौर्य शक्ति वाले उस रोष को नमन है, और झुकने दिया नहीं जो भारती के भाल को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन है। क्या बात, वाह। और किसको नमन करने का मन होता है मित्रों? देश न आजाद चंद्रशेखर से आजाद हुआ है, न भगत सिंह से आजाद हुआ है, न अब्दुल हमीद से आजाद हुआ है। ये देश उन राष्ट्र माताओं से आजाद हुआ है जिन्होंने ऐसे पुतों को, ऐसे लालों को पैदा कर दिया जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। उन राष्ट्र माताओं को नमन करता हूं कि अंग्रेजों को जीते जी ना घुसने दिया किले में, झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई को नमन है। अंग्रेजों को जीते जी ना घुसने दिया किले में, झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई को नमन है। और राष्ट्र के लिए सपूत को जो बना दे शिवाजी, ऐसी राष्ट्र माता जीजाबाई को नमन है। आंखों आंखों आगे पुत्र को जो राष्ट्र पे चढ़ा दे बलि, ऐसी क्षत्राणी पन्ना धाई को नमन है। और जिसने जन्म दिया सिंह सा भगत सिंह, शेरनी सी विद्यावती माई को नमन है। वाह वाह भाई, भाले को नमन, तलवार को नमन, वीर सिंह जैसे महाराणा प्रताप को नमन है। भाले को नमन, तलवार को नमन, वीर सिंह जैसे महाराणा प्रताप को नमन है। और थर थर कांपते थे मुगलों के दल जहां, चेतक महान वाली टाप को नमन है। और जिसके जिसके दहाड़ने से कांपते थे शत्रु दल, बांकुरे के उस पद चाप को नमन है। और लड़ा सदायान बान शान के लिए जो उस महाराणा प्रताप के प्रताप को नमन है। इसी देश में मित्रों यह भी कहा जाता है कि भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। मेरे पड़ोस में गाजीपुर, जहां से हमारे मिथिलेश भैया चल के आए हैं, वीरों की धरती और आपकी चकियां, वहां का एक लाल सन 65 के युद्ध में तिरंगे में लिपट कर आया। जब भी कोई, मैंने कहा कि कुछ जयचंदों और जाफरों से भारत शर्मिंदा है, कुछ जयचंदों और जाफरों से भारत शर्मिंदा है, पर भूल न जाना इस धरती पर वीर हमीद भी जिंदा है। उस लाल के नाम पंक्तियां पढ़ता हूं, क्या थे अब्दुल हमीद कि बाजुओं में बल, बेमिसाल शत्रु हुए चित, वीर था वैसा कि मिसाल था मिसाल था। बाजुओं में बल, बेमिसाल शत्रु हुए चित, वीर था वैसा कि मिसाल था मिसाल था। और बड़े बड़े योद्धाओं को पल में पछाड़ दिया, गाजीपुर का लाल तो धमाल था धमाल था। और जंग जंग में लड़ा तो युद्ध यूं लड़ा कि जैसे वीर, दुश्मनों की खातिर सवाल था सवाल था। और जिसने अजय टंक पल में विध्वंस किए, अब्दुल हमीद तो कमाल था कमाल था। जब उसका शव तिरंगे में लिपट कर आता है तो उसकी माँ की आंखों में आंसू नहीं होते हैं। उसकी माँ उसके मित्रों से पूछते, बता मेरा बेटा कैसे लड़ा? जब ये लड़ा तो इसके आंखों के डोरे लाल लाल थे कि नहीं? जब ये लड़ा तो इसके माथे की भित्ति तनी हुई थी कि नहीं? अरे जब ये लड़ा तो शत्रुओं की आंखों में खौफ था कि नहीं? जो उसके माँ से उसके मित्रों ने जवाब दिया, उसको मैंने चार पंक्तियों में ढाला है। स्वागत कि बैरियों की छातियों पर युद्ध बेमिसाल लड़ा, द्रोहियों के चेहरे बिगाड़ कर आया है। अगर पंक्तियां आप तक पहुंचे तो आशीर्वाद के रूप में तालियां उठें। बैरियों की छातियों पर युद्ध बेमिसाल लड़ा, द्रोहियों के चेहरे बिगाड़ कर आया है। और आन बान शान रखी भारत महान वाली, मौत के भी दंभ को पछाड़ कर आया है। और एक एक हाथ गीता और दूजे में कुरान रही, सिंह रणभूमि में दहाड़ कर आया है। अरे शीश माँ के चरणों में बाद में चढ़ाया, पहले पाक में तिरंगा वीर गाड़ कर आया। क्या बात, वाह। तब मैंने कहा था, जब ये कहा गया कि भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, तब मैंने कहा कि पागल श्वान भौंके कोई रास्ते में, आपको तो गोली मारने का है विधान, डांट दीजिए। अगर पंक्तियां पहुंचे तो पीछे वाले भी हमारा समर्थन करें, वरना मैं समझ जाऊंगा कि पीछे वाले वहीं के हैं। पागल श्वान भौंके कोई रास्ते में, आपको तो गोली मारने का है विधान, डांट दीजिए। और फैल के जो राह में खिलाफ देश के खड़ा हो, कांटों वाले झाड़ के समान छांट दीजिए। और सीखो सीखो अमेरिका से, मिटाया है लादेन कैसे, शत्रु के इरादों पे बर्फ पाट दीजिए। और देश में जो कोई पाकिस्तान जिंदाबाद बोले, उसी क्षण उसकी जुबान काट दीजिए।
क्या बात, वाह क्या बात है, क्या बात है। तब मित्र मैं कहना चाहता हूँ कि क्या बात है, क्या बात है। माइक वाले भैया, आपके माइक बहुत बढ़िया है, लेकिन बीच में पड़ोसी मुल्क की तरह कुछ कीजिए मत हमारे साथ में। हाँ, कभी कभी खतरा महसूस हो रहा है कि नहीं? अच्छा लगा, बीच बीच में तालियां। अगला आप लोग मन से बजा देंगे, अगर मैं पहुंच पा रहा हूँ आप तक, तो एक बार तालियां मुझे मन से बजा के बताइए। बेटियां बैठी हैं मंच पे, माता भी बैठी हैं सामने। एक झांसी की रानी के छंद नाम पढ़ता हूँ, उसके बाद पढ़ता हूँ अपना। सिंघनी दहाड़ती थी धर चंडिका का रूप। क्या थी झांसी की रानी? सिंघनी दहाड़ती थी धर चंडिका का रूप, शत्रुओं के रक्त में नहाती वो जवानी थी। सिंघनी दहाड़ती थी धर चंडिका का रूप, शत्रुओं के रक्त में नहाती वो जवानी थी। और हर हर बोल महादेव नभ चूमती थी, रानी लक्ष्मीबाई के रगों में माँ भवानी थी। और पेट पीठ पे था पुत्र, किंतु शत्रुओं की खैर नहीं, रोंड मुंड झुंड काट देने की दीवानी थी। और लाख शत्रुओं ने चली चाल नहीं मानी हार, मौत से लड़ी जो सदा झांसी वाली रानी थी। घनघोर तिमिर को भेद यहां नवगीतों का स्वर छंद बनो बनना है। मेरे आदर्श हैं स्वामी विवेकानंद जी, एक रचना पढ़ के अपना स्थान में लेता हूं कि घनघोर तिमिर को भेद यहां नवगीतों का स्वर छंद बनो। हे भारत के युवा सिपाही, उठो विवेकानंद बनो। घनघोर तिमिर को भेद यहां नवगीतों का स्वर छंद बनो। हे भारत के युवा सिपाही, उठो विवेकानंद बनो। विश्वगुरु बन सकते हो तुम, विश्वगुरु बन सकते हो तुम, बस इतना सा ध्यान रखो उस युवा पुरोधा के सपनों का, मन में हिंदुस्तान रखो। क्या था उस समय का दृश्य? जब अंधकार अंगड़ाई लेकर तौनाई पर छाया था, जब भोर कालिमा सी लगती थी युवा वर घबराया था, जब जब गोरों के आंगन में भारत का सूरज ढलता था, तब तब नवीर सपूतों को यह दृश्य समूचा खलता था। जब पश्चिम ने यह भ्रम पाला, हम सकल विश्व पर राज करेंगे, दुनिया भर के बौद्धिक बल में सबसे आगे हम ही रहेंगे, उन्हें सदा यह लगता था भारत में कुछ भी ज्ञान नहीं, यह जाहिल अनपढ़ पागल हैं, दुनिया में इनका मान नहीं, बस जात धर्म के झगड़े में पढ़ते हैं करते तर्क नहीं, चाहे इनको कुछ भी कह दो पढ़ता इन पर कुछ फर्क नहीं। तब सभा मध्य में एक युवा हुंकार भरा और बोल उठा, उस युवा शक्ति के बेग के सन्मुख सारा मंजर डोल उठा। सब देशों का मान रखा अभिमान रखा सम्मान रखा, सब देशों का मान रखा अभिमान रखा सम्मान रखा, पर दुनिया भर के उच्च शिखर पर अपना हिंदुस्तान रखा। फिर मधुर मधुर मुस्कान लिए संवाद किया उद्गार भरा, उसके वाणी को सुनकर के गर्वित थी मानो आज धरा, वेदों का जब जब पृष्ठ खुला तब तब दुनिया फिर मौन हुई, फिर शब्द शब्द निशब्द हुए वह सभा समूची गौण हुई, मस्तक का तेज उभर आया फिर धन्य किया परिपाटी को, जिसकी रज में वह खेला था फिर नमन किया उस माटी को, उस युवक सिंह पर गर्व हुआ तब अपनी भारत माता को, नतमस्तक हो गए सभी सुनकर भारत की गाथा को, भारत की जय भारत की जय भारत की, अब तो जय होगी दुनिया भर के जय घोषों में, भारत की सदा विजय होगी। बातों को उसी सुनकर के तब पूरा विश्व चंभित था, उसके मुखमंडल पर उभरा जो तेज सूर्य का अंकित था, थी धन्य धन्य वह धन्य धरा जिस पर वो भी पुराण पढ़ा, दुनिया भर के शीर्ष पटल पर वेदों का सम्मान जड़ा, फिर पुत्र प्रेम को लख करके भारत माता मुस्काई थी, उस युवा तेजसा प्रखर पुंज को अपने गले लगाई थी, गर्वित थी शेष प्रबल करके वह बोल उठी आनंद है रे, कल सारे इसको पूजोगे, अरे विवेका नंद है रे। जय जय।